हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सभी? आई रियली होप आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं आज व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। इस बीच आप सभी के बहुत सारे मैसेज आए और आप लोगों ने पूछा कि नेहा सब ठीक तो है, तो मैं बता दूँ बिल्कुल ठीक है, हम सब बहुत अच्छे हैं और उम्मीद करती हूँ आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। तो ऐसा कुछ रीज़न नहीं है, धीरे धीरे व्लॉग के साथ साथ बताती हूँ कि क्यों मैंने इतनी लंबी छुट्टी ले ली यूट्यूब से। तो सुबह की दिनचर्या जो है स्टार्ट हो गई है। तो ये व्लॉग भले ही मैं अभी डाल रही हूँ, लेकिन ये एक महीना पुराना व्लॉग शूट किया हुआ रखा था। पता नहीं इस बीच कोई मोटिवेशन ही नहीं मिली, मतलब शूट करा हुआ रखा हुआ व्लॉग भी मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी, एडिट नहीं कर पा रही थी। तो बस इस व्लॉग के बारे में बता दूँ, तो सुबह सुबह का जो है रूटीन स्टार्ट हो चुका है। रमेश ने आज बोला कि आज दाल चावल बना दे, आज दाल चावल खाने का मन था। तो बस यहाँ पे दाल चढ़ा दी है और चावल भी चढ़ा दी है, और साथ में ना दाल चावल के साथ कुछ कुछ तो चाहिए होता है। तो बस आज गार्डन से सुबह सुबह अपने जो है लाल भाजी, लाल चौलाई की जो साग होती है ना, वो हार्वेस्ट करी थी, तो सोचा वो भी साथ में बना लेती हूँ। और आज सुबह ब्रेकफास्ट के साथ साथ हमारा लंच भी सॉर्टेड है, क्योंकि सुबह सुबह इतना कुछ बना लिया है तो थोड़ा एक्स्ट्रा बना लिया ताकि दोपहर को भी हो जाए। तो बस आज रियाज का जो है फर्स्ट डे है, नर्सरी क्लास में जब से वो गया है तो ये फर्स्ट डे है। तो ये सब मैंने सब शूट करके रखा हुआ था, लेकिन एडिटिंग नहीं कर पाई ना अपलोड कर पाई, इतना बिजी हो गई थी ना, मैं क्या बताऊँ। रियाज के पीछे ही बहुत ज़्यादा टाइम मेरा इस बीच चला गया, जो कि मैं खुश हूँ कि मैं उसको बहुत अच्छे से उसका टेक केयर कर पा रही हूँ, बहुत अच्छे से नई नई चीज़ें सिखा रही हूँ, जो कि मैं धीरे धीरे आपको बताती रहूँगी। तो वही है कि दो तीन राउंड से मेरे रियाद को वही पिक एंड ड्रॉप करने में निकल जाते हैं, स्कूल छोड़ना लेके आना, देन उसके बाद जो एकेडमी, क्रिकेट एकेडमी, इसको लेके जाना। उसके बाद भी मैंने बोला ये काफ़ी नहीं है, थोड़ा सा ना मैंने उसका जो है वर्कआउट थोड़ा सा ऐड ऑन किया है उसके रूटीन में, थोड़ा बहुत आजकल मैं 40 मिनट्स का वर्कआउट कराती हूँ, और बहुत सारी चीज़ें, उसका खाना पीना भी मैंने टोटली चेंज कर दिया है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं मैं सारी चीज़ें ना एक साथ मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, तो थोड़ा सा मैंने ब्रेक ले लिया। मैंने बोला पहले अपना रूटीन सेट कर लेती हूँ, उसके बाद वापस से व्लॉग में आऊँगी, थोड़ा सा मैनेज करना सीख जाऊँ अब इस नए रूटीन के साथ खुद को, तो फिर मैं अपलोड करूँगी। तो आज रियाद का, जैसे कि मैंने बताया कि फर्स्ट डे है नई क्लास का, नर्सरी का, तो उसके नए लंच बॉक्स में मैंने आज उसका फेवरेट लंच पैक किया है, जो कि इडली। मैंने बोला आज फर्स्ट डे है, और थोड़ा पता नहीं आज को ना खुश भी था, तो मैंने बोला चलो उसको खुश करने के लिए उसका फेवरेट इडली बना लिया जाए। एक्चुअली वो आज हैप्पी हैप्पी क्यों नहीं है, क्योंकि ही डिडंट लाइक हिज न्यू यूनिफॉर्म। अभी तक तो ये था कि सिविल ड्रेस में जा रहे थे बच्चे, तो अभी ये भी थोड़ा सा उसको भी मतलब ये रहता है कि हाँ थोड़ा सा अच्छा ड्रेस पहनना है, ये पहनना है, वो पहनना है, तो उसको मुझे लगता है कि नई ड्रेस बिल्कुल भी नहीं जमी, उसको पसंद ही नहीं है। थ्रू आउट जब भी मैं उसको पहना रही हूँ ना, आप उसकी शक्ल देखना, वो इतना ज़्यादा सैडी सैडी सा फेस बनाकर बैठा हुआ था। किसी तरीके से मैं उसको मतलब प्यार से पुचकार के अच्छे से उसको तैयार करने की, खुश करने की कोशिश कर रही हूँ, बट नहीं, उसको बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था। तो चलिए मैं छोड़ के आती हूँ उसे और फिर मिलती हूँ आपको। तो मैं आ गई हूँ रियाद को ड्रॉप करके, और अब कुछ 5 मिनट अपने आप को दूंगी तसल्ली के। सीरियसली सुबह 6 बजे से उठो और जब से आंखें खुलती है किचन में 2 पैरों पे खड़े होकर सारा काम करना, वो भी नॉन स्टॉप, और फिर बच्चे को छोड़ के आने के बाद अब जो टाइम मिलता है ना, लगता है कि बस अभी थोड़ा सा रुक जाने। हाँ, तो बस अभी थोड़ा सा पानी पीकर फिर से लगूंगी काम पे, अभी तो असली काम शुरू होना है, घर का सारा काम करना है। तो अभी मैंने ना थोड़ा एडिटिंग वर्क या शायद अपलोड वगैरह कर रही थी, मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने लास्ट का व्लॉग कौन सा मैंने अपलोड किया था, तो शायद कुछ एडिटिंग वर्क मैं कर रही थी। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा रेस्ट करते हुए अपना व्लॉग को एडिट या अपलोड करते हुए कुछ ग्रेप्स मैंने हाथ में ले लिए हैं, और अब इसके बाद मैं लगूंगी काम पर। तो
तो क्लीनिंग स्टार्ट होती है, और क्लीनिंग से पहले तो पूरा घर समेटना पड़ता है। रियाद के इतने सारे चीज़ें, कब कुछ इधर कुछ उधर, बैट स्टम्प बॉल्स कार्ड, सीरियसली। तो चलिए द सफाई बिगिंस। तो मैं मिलती हूँ आपको डायरेक्टली अब दोपहर को, जब मैं सारा काम निपटा कर शारवार लेकर रियाद को लेकर फिर आपसे मिलूँगी। तो अभी रियाद की छुट्टी ना कुछ 1 बजे होती है, पहले 12 बजे हुआ करती थी। तो अभी मैं उसको लंच करा के सीधा सुला दूँगी, क्योंकि 4 बजे फिर उसको क्रिकेट के लिए जाना होगा। तो टाइम बहुत कम है, पहले तो थोड़ा अच्छी नींद के लिए उसको टाइम मिल जाया करता था, बट ठीक है कोई बात नहीं, अब उसको सुला दिया है और अब मैं करूँगी लंच। और आज का लंच तो सॉर्टेड है, जो सुबह बनाया था वही लंच होने वाला है। और साथ में मैंने वो जो अपनी मिर्ची का अचार था ना, वो भी साथ में ले लिया जो मैंने बनाया था। चलो हो गए, चलो 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 चलो, उठो आओ, इधर आओ, इधर से ऐसे उठो। हाँ ले जाओ, चलो चलो उधर चलो। चलो थोड़ी देर चलो, वो टीवी देख लो, ये देखो। खेलने जाएंगे ना भैया के साथ। सुनो, बनाना दिया है, ग्रेप्स दिया है, दोनों फिनिश करके आना है, ठीक है? ठीक है मेरे बच्चा, और पानी भी दे दिया, ठीक है? हाँ स्ट्रॉन्गेस्ट, माय लड्डू इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। मेरे लड्डू क्या है? स्ट्रॉन्ग है। रिया चला गया है एकेडमी, और आजकल वो इतना अच्छा खेलने लग गया है। पहले तो हम लोग उसको घर में ही खिलाते थे और सारी चीज़ें हटा के खिलाते थे, लेकिन अब तो क्या है कि इतना अच्छा शॉट मारता है कि ना वो भैया घर में तो उसको खिलाया ही नहीं जा सकता, तो हम लोग बाहर खिलाते हैं आजकल। तो अभी मैं उसके लिए ना बना रही हूँ मैजिकल ड्रिंक, मैजिकल पाउडर, और इसको मैं दूध में मिला के उसको देती हूँ। थोड़े नखरे करता है खाने में पीने में, लेकिन हाँ थोड़ा सा डांट फुट करके उसको पिला पिला देती हूँ, अब हैबिचुअल हो गया है। तो मैं क्या करती हूँ, मैंने कभी भी ना ये बॉर्नविटा और ये जितने भी हॉर्लिक्स, मतलब जितने भी ये हेल्थ ड्रिंक्स होते हैं ना, ये मैं नहीं देती हूँ, क्योंकि इसमें ना अगर आप पीछे देखें इन पैक्स के पीछे देखें ना, तो इंग्रेडिएंट्स में आप देखना शुगर लिखा रहता है, लेकिन शुगर के 2-3 फॉर्म होते हैं जो कि शुगर ही होते हैं। तो मतलब आउट ऑफ 100% 65% तो आपका शुगर ही होता है उसमें। तो मैंने शायद एक बार ही सैशे ट्राई किया था, उसने खुद ही नहीं पिया, तो फिर मैंने किया ही नहीं कुछ आगे। तो मैं इस तरीके से करती हूँ अब। तो ये 4 चीज़ें मैं मिलाती हूँ, कैशियोज हो गए, आमंड्स हो गए, पीनट हो गया, मखाने हो गया, ये सिर्फ चीज़ें जो है मैं डालती हूँ, क्योंकि अभी गर्मियाँ वैसे ही है, और ज़्यादा अभी ना अगर ड्राई फ्रूट्स का यूज़ किया जाए ना, तो वो गर्मी पैदा करती है अभी। तो ये 4 चीज़ें काफ़ी है, सर्दी में आप थोड़ी चीज़ें और जो है ऐड ऑन कर सकते हो। तो ये 4ों चीज़ें इतनी रिच है, इनको इनके क्या बेनिफिट्स हैं वो तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं, बल्कि 30+ और जो भी हमारे घर में बुज़ुर्ग हैं उनके लिए भी अच्छी होती है। जो टाइम के साथ साथ, एज के साथ साथ जो हमारी हड्डियाँ बोलने लगती है ना, कि जवाब देने लगती है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। दूध में मिला के इसका सेवन करें, बहुत ज़्यादा बेनिफिट पहुँचेगा, आपकी बॉडी खुद बताएगी कि हाँ जान है।
तो मैं तो ऐसे करती हूँ, और ये मैंने सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो घी में रोस्ट कर लिए है, और इसको बिल्कुल अभी ठंडा करूँगी और फिर जाके ग्राइंड करूँगी। तो कुछ इस तरीके से ये पाउडर बन जाता है, जो कि मैंने अच्छे से एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके फ्रिज में स्टोर करती हूँ मैं। तो चलिए मैं लेके आती हूँ फिर रियाद को अकेडमी से। तो रियाद आ गया है और उसको मैंने शार दिला दिया। आते आते इतना ज़्यादा पसीने में हो जाता है ना कि मैं उसको नहलाना ही बेहतर समझती हूँ। तो अभी अभी भी मतलब जो है सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ, और अभी भी बेचारे को पढ़ना है सुबह से बेचारा लगा हुआ है, बट ठीक है, मेहनत करेगा तभी तो बड़ा इंसान बनेगा ना। तो अभी सारी चीज़ें हो गई है, अब थोड़ा बहुत रिवीजन टाइम, थोड़ा होमवर्क टाइम, तो बस थोड़ा बहुत राइटिंग वगैरह कराऊंगी, थोड़ा राइम्स करवाऊंगी, और थोड़ा अ से अनार हिंदी का जो है ना वो करवाना है, क्योंकि इसको काउंटिंग्स आती है और ABCD सारी आती है, राइम्स आती है, और अभी अ से अनार में थोड़ा सा अटकता है, एक बोल लेता है, देख के बोल लेता है, वैसे उसको ये आती हैं। तो चलिए अभी फिर मैं इसके पीछे लगती हूँ और इसको होमवर्क कराती हूँ। थोड़ी सी मेहनत तो हम भी कर रहे हैं, तो बट बहुत खुशी से करते हैं हम लोग इसके पीछे मेहनत आजकल, तो जिसका रिजल्ट हमें देखने को भी मिलता है। तो चलिए फिर, बहुत दिनों के बाद आज का ये व्लॉग आप लोगों को कैसे लगा ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी, मतलब आप देख ही रहे हो कि मेरा जो है रूटीन थोड़ा सा हेक्टिक रहता है, बट मैं डेली ना सही तो लेकिन वीक में 2 बार एटलीस्ट मैं वीडियो बनाऊँ और डालूँगी। तो चलिए आज इसी ब्लॉग के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ और आप सबसे इजाज़त लेती हूँ और मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, टाटा बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर एंड बाय बाय।